Hello everyone, this is Dr. Satyard Bandal from Department of Commerce, JVPG College. I hope all of you are in very good condition. Today I am going to deliver my lecture for MCOM first year semester 2 on the topic theory of games or game theory. The theory of game is one of the most outstanding recent development of economic theory. This theory is firstly presented by Professor Newman and Morgan Stern of USA in their classical work Theory of Games and Economic Behavior. उन्होंने ये बताया इस बुक में कि जो गेम होता है, गेम इज अ सिचुएशन इन विच टू और मोर पार्टिसिपेंट्स टेक पार्ट इन परस्यूट ऑफ देयर सर्टेन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स. मतलब उनके बीच में एक सर्टेन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, उस ऑब्जेक्टिव्स को दूर करने के लिए वो एक गेम खेलते हैं जिसकी वजह से एक प्लेयर को विन होगा और दूसरे प्लेयर को लूज़ होगा. जिस प्लेयर को विन होगा वो पॉजिटिव गेन कहलाएगा, जिस प्लेयर को लूज़ होगा वो नेगेटिव गेन कहलाएगा. लाइक वाइज इन द कम्पिटिटिव मार्केट टू और मोर पार्टीज पार्टिसिपेट इन ए रेशनल वे इन परस्यूट ऑफ देयर सर्टेन कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट. मतलब उनकी दो पार्टीज के बीच में भी कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होना चाहिए जिसके लिए वो एक गेम खेलते हैं, और इसकी गेम खेलते हैं और उसी गेम में अगर किसी एक पार्टी को फ़ायदा होता है तो सेम मात्रा में, मतलब सेम प्रोपोर्शन में दूसरी पार्टी को लूज़ होगा. बेसिकली जो आपका ये कंसेप्ट था गेम थ्योरी का, वो ऑपरेशन रिसर्च का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था, जिसमें ये बताया गया है कि जो भी मार्केट फोर्सेस हैं वो इस थ्योरी को के अपनाने से कैन ईजली डिटरमाइन व्हाट इज़ मैक्सिमम गेन फॉर देम एंड व्हाट इज़ मिनिमम लॉस फॉर देम. ये हो गया आपका गेम थ्योरी. अब आता है टाइप्स में कि टाइप्स ऑफ गेम क्या हैं. देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ गेम्स. एक फर्स्ट वन इज़ जीरो सम गेम और कॉन्स्टेंट सम गेम. सेकेंड वन इज़ नॉन जीरो सम गेम और नॉन कॉन्स्टेंट सम गेम. इन अ जीरो सम गेम व्हाट वन प्लेयर गेन्स इज़ द लॉस फॉर अदर. एंड इन बट उसमें यह होगा कि जो प्रॉफिट होगा उन दोनों के बीच में, पार्टीज के बीच में, वो सेम होगा. और इन अ नॉन कॉन्स्टेंट सम गेम और नॉन जीरो सम गेम द प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टीज डिफर करेगा. और उसी प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए उनके पास दो सोल्यूशन होंगे, या तो वो कोलाइड हो जाएं आपस में या कॉपरेट करें, या कॉपरेट ना करें और नॉन कोलाइड हो जाए. ये हो गया नॉन जीरो सम गेम. तो फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि इन ए जीरो सम गेम व्हाट वन प्लेयर गेन इज अ लॉस फॉर अदर. मतलब किसी एक का फायदा दूसरे के लिए नुकसान होता है, बट उनके बीच का जो प्रोपोर्शन होगा प्रॉफिट का वो सेम होगा. लेकिन इन ए नॉन कॉन्स्टेंट सम गेम में या नॉन जीरो सम गेम में दोनों के बीच का जो प्रॉफिट होगा वो डिफर होता है. और उसी प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो कोलाइड हो जाए या तो नॉन कोलाइड हो जाए. अब एग्जांपल के तौर पे लीजिए, फॉर एग्जांपल इन ए डियोपोलिस्टिक मार्केट. डियोपोलिस्टिक मार्केट वही मार्केट होती है जहाँ दो टाइप्स ऑफ मार्केट सस्टेन करती है. मान लीजिए इन ए डियोपोलिस्टिक मार्केट फर्म ए एंड फर्म बी सस्टेन कर रही है. फर्म ए के पास थ्री स्ट्रेटजीज हैं, A1, A2, A3 एंड A4. फर्म बी के पास फोर स्ट्रेटजीज हैं, B1, B2, B3 एंड B4. चलिए उनके कुछ बीच के सर्टेन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, या जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि एक गेम खेलते हैं. फर्म गेम खेलते हैं मतलब, और गेम भी खेलेंगे तो रैशनल वे में ही खेलेंगे. फर्म ए ने डिसाइड किया कि वो A2 स्ट्रेटजी अपनाएगी. फर्म बी ने ये डिसाइड किया कि वो B3 स्ट्रेटजी ऑप्ट करेगी. तो फर्म ए को A2 स्ट्रेटजी ऑप्ट करने से 7% का मार्केट गेन होता है. तो इसका मतलब यही हुआ कि सेम 7% का मार्केट लॉस फर्म बी के लिए हुआ. दिस इज कॉल्ड जीरो सम गेम. अब आता है एजम्पशंस. तो एजम्पशंस इसके सिंपल हैं. एजम्पशंस यही हैं कि द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो या पार्टीज वो इनफाइनाइट होना चाहिए, वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए. अगर इनफाइनाइट होंगे तो बट ऑब्वियस है कि ये जो थ्योरी है वो इरेलेवेंट हो जाएगी, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी.
और बेसिकली ये जो थ्योरी थी हमने बताया है ये कि वो ड्यूपोलिस्टिक मार्केट के लिए ही आई थी। ड्यूपोलिस्टिक मार्केट मतलब जहाँ केवल दो पार्टीज ही सस्टेन करते हैं। सेकेंड रीजन ये था कि जो उनका कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो डिसाइड होगा, ठीक है। थर्ड ये था कि वो रेशनल, जो पार्टीज हैं वो रेशनल और इंटेलिजेंट होना चाहिए, मतलब वो रेशनली बिहेव करें। और फोर्थ ये था लास्ट वन कि जो भी रूल्स होंगे या स्ट्रेटजीज होंगी वो नोन होंगी ईच पार्टीज को, मतलब अगर दो पार्टीज गेम खेल रही हैं तो उन दोनों को पता होना, उन दोनों को पता होगा कि दोनों के पास कौन, फर्म ए के पास कौन सी स्ट्रेटजी है और फर्म बी के पास कौन सी स्ट्रेटजी है, मतलब दोनों पार्टीज को एक दूसरे की स्ट्रेटजी के बारे में पता होना चाहिए। ये हो गया एजम्पशंस। अब आता है इसके लिमिटेशंस, कि लिमिटेशंस क्या थे, मतलब डिसएडवांटेजेस क्या थे। डिसएडवांटेज यही थे कि अगर नंबर ऑफ प्लेयर्स इनफाइनाइट होंगे, मतलब ज़्यादा होंगे, तो ये थ्योरी अपनी रिलेवेंस खो देगी, सिर्फ मतलब कोई इसका थ्योरी का रिलेवेंस नहीं हो जाएगा, नहीं रहेगा। सेकंड ये था कि ये थ्योरी जो थी केवल रूल ऑफ लॉजिक बताती थी, मतलब विनिंग स्ट्रेटजी नहीं बताती थी, मतलब एक्चुअल बिजनेस कंडीशन में ये थ्योरी काम नहीं करेगी। और लास्ट वन ये था कि अभी भी इस थ्योरी के बारे में बहुत सारे बिजनेसमैन को या बिजनेस हाउसेस को पता नहीं है, दे हैव नॉट परफेक्ट नॉलेज अबाउट दिस थ्योरी। दीज आर द बेसिक एजम्पशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ दिस थ्योरी। एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि गेम थ्योरी आपकी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थी ऑपरेशन रिसर्च की, जो कि ये बता रही थी कि कैसी स्ट्रेटजी अपनाने से किसी एक पार्टी को मैक्सिमम गेन होगा और दूसरे पार्ट और गेन होगा, और वही जो मैक्सिमम गेन उसके लिए होगा वो दूसरे के लिए लॉस होगा। मतलब मार्केट फोर्सेस के लिए मैक्सिमम गेन और मिनिमम लॉस की सिचुएशन को डिसाइड करने के लिए गेम थ्योरी का आप कह सकते हैं कि इन्वेंशन हुआ था। दिस इज ऑल अबाउट गेम थ्योरी। सो थैंक यू वेरी मच।